मेयर कराची वसीम अख्तर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि अदालत की मुझ पर नाराजगी दुरुस्त है, लेकिन पानी, कचरा, ट्रांसपोर्ट और मास्टर प्लान के अख्तियारात मेरे पास नहीं है और कोई भी मेयर आ जाए वो इन वसाइल से काम नहीं कर सकता। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सिंध हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि 70% जमीन सूबे के पास नहीं। आखिर 70% कराची का रेवेन्यू कहाँ जाता है? कोई चीज़ भी, कोई महकमा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तबाही पे जा चुका है और इसी वजह से सिर्फ नालों के ऊपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आके नाले साफ कर रही है, तो उनकी नाराजगी बिल्कुल बजाय है। सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, 65% टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, वो कहाँ जाता है? अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है 70% अथॉरिटी मेरी नहीं है, सिर्फ 30% है और फेडरल गवर्नमेंट की 70% अथॉरिटी है, अथॉरिटी को बहाना बना के कराची का सत्यानाश कर दिया है दोनों हुकूमतों ने, तो फिर ये टैक्स जो पैसे जमा करते हो कराची से वो कहाँ जाते हैं? वो भी तो कराची वाले हिसाब मांग रहे हैं। कचरे के अख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के अख्तियारात मेयर के पास नहीं है, सिवरेज के अख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट के अख्तियारात मेयर के पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। सवाल ये बनता है कि फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? बहुत लोग बोलते हैं अगर मैं इस्तीफा दे दूँ तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं उसकी जंग लड़ रहा हूँ इख्तियारात की पूरे मुल्क के लिए, बलदियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए।